ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90831 90831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, पेट्रोल पंप से पेट्रोल डीजल लेकर तो आप अक्सर अपनी गाड़ियों में भरवाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी खेत से डीजल लेकर अपनी गाड़ी में भरवाया है? अगर आपने कभी ऐसा काम नहीं किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा होता नहीं है। जी हाँ, ऐसा ही एक वीडियो यूपी के बागपत से वायरल हुआ, जहां पर एक खेत में बने छोटे से टैंक से डीजल लेकर एक ट्रक के अंदर भरा जा रहा था। और जब ये वीडियो वायरल हुआ तब वहां का प्रशासन अपनी नींद से जगा। 23 अक्टूबर 2020 की ये घटना है, जब वहां के जो लोकल पुलिस हैं और एसडीएम बागपत अभिनव कुमार हैं, उन्होंने वहां पर छापेमारी की जहां पर ये गाड़ियों के अंदर डीजल भरा जा रहा था। हैरानी की बात सभी के लिए थी, क्योंकि आसपास में कोई पेट्रोल पंप नहीं था और ये खेत में बने एक टैंक में से किस तरीके से गाड़ियों के अंदर डीजल भरा जा रहा था, ये देखकर सभी अधिकारी हैरान थे। आपको बता दें कि ये जो टैंक है आप देख रहे हैं स्क्रीन के अंदर, इसके नीचे 20,000 लीटर का टैंक लगा है और वहां से कुछ तेल रिकवर भी किया गया है। तेल जो रिकवर किया गया उसके सैंपल्स लेकर लेबोरेटरी में भेज दिए गए हैं टेस्टिंग के लिए, क्योंकि ये पूरी तरह से प्रमाणित नहीं हो पाया है कि ये डीजल है या डीजल के अंदर किसी चीज़ की मिक्सिंग की गई है। इस पूरी घटना को लेकर ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने एसडीएम बागपत से बात की और उन्होंने पूरी न्यूज़ को वेरीफाई किया। उन्होंने पुष्टि की इस बात की कि जी हाँ, इस तरीके की एक घटना सामने आई है और इसकी जाँच चल रही है। सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजे गए हैं, जो टैंक है उसे सील कर दिया गया है और जिसकी ये जमीन है उसको बोला गया है कि अगर तुम्हारे पास कोई सरकारी परमिशन है इस काम की तो वो डॉक्यूमेंट्स हमें जरूर दिखाओ, लेकिन अभी तक कोई ऐसी परमिशन सामने नहीं आई है। तो ये लगभग तय है कि ये पूरी तरह से गैर कानूनी काम वहां पर चल रहा है और इस जमीन के जो मालिक है उनका नाम नफीज अहमद है, अभी तक कोई भी पीनल एक्शन उनके खिलाफ लिया नहीं गया है और ये जो एक्शन है वो जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती है सैंपल की तब तक कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। और दूसरी तरफ से अगर मीडिया रिपोर्ट, जो लोकल मीडिया रिपोर्ट छपी है, उनके मुताबिक वहां पर इस घटना के बाद एक भाजपा नेता भी पहुंचे और उनका कहना था कि यहां पर कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, ये सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जैसे ही मीडिया वहां पर पहुंचता है, लोकल मीडिया पहुंचा, तो वो उस जगह से चले गए। ये एक बेहद हैरानीजनक घटना है और प्रशासन के लिए बहुत ही नमोशी भरा काम है, क्योंकि जो पेट्रोल डीजल है हमारे देश के अंदर वो एक रेगुलेटेड कमोडिटी है, यानी कि उसका जो उसकी बिक्री है वो सिर्फ पेट्रोल पंपों से हो सकती है या फिर कोई ऐसा सरकार की परमिशन चाहिए स्पेशल, अगर आप पेट्रोल पंप के बिना ये जो प्रोडक्ट है उनको बेचते हैं। लेकिन खेत के बीच में एक टैंक इस तरीके से छुपा कर बनाना और वहां से गाड़ियों के अंदर डीजल भरना, निश्चित तौर पर दाल में कुछ काला तो है ही, हो सकता है पूरी दाल काली हो, जिस तरीके से कुछ पॉलिटिकल लीडर सामने आ रहे हैं इसकी पैरवी करने के लिए। दूसरा बड़ा सवाल ये देखने वाली बात है कि ये आखिरकार डीजल या पेट्रोल जो भी है वो आखिरकार कहां से आ रहा है। ये हम भली भांत कई सालों से जानते हैं कि जो हमारी सरकारी कंपनियां हैं देश में, सरकारी तेल कंपनियां हैं, वहां पर बड़े बड़े माफियाओं का राज रहता है, वहां पर जो तेल चोरी किया जाता है टैंकरों से तेल चोरी किया जाता है और बड़े बड़े अधिकारी अक्सर उसके अंदर शामिल रहते हैं। तो हो ना हो ये डीजल भी कहीं ना कहीं वहीं से लाया गया है, जो यहाँ पर मिलावट करके या सीधा डीजल रूप में ही इसको बेचा जा रहा है। तो अगर जो प्रशासन है वो सच में इसकी तह तक जाना चाहती है तो ये जानना उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आखिरकार ये तेल आया कहाँ से। और अक्सर ये जो इस तरीके के टैंक होते हैं तेल बेचने का जो धंधा करते हैं वो चल इसलिए जाते हैं क्योंकि नॉर्मल जो मार्केट रेट होता है डीजल का या पेट्रोल का उससे 10-20 रुपये प्रति लीटर कम के रेट में ये तेल बेच दिया जाता है उनको। तो एक ट्रक गाड़ी मालिक के लिए निश्चित तौर पर कुछ सेविंग हो जाती है, उसके चलते ये जो टैंक वाले हैं इस तरीके से जो गैर कानूनी तरीके से तेल बेचते हैं उनका धंधा चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर गाड़ी चालक और गाड़ी मालिकों को ये बात ध्यान देने वाली है उनके कि अक्सर जो तेल इस तरीके से बेचा जाता है उसके अंदर मिलावट भी जरूर होती है, तो बहुत सोच समझ कर सिर्फ कुछ पैसे बचाने के लिए अपनी गाड़ियों में ऐसा तेल हरगिज ना डलवाएं। आज की ब्रेकिंग न्यूज में बस इतना ही। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट मॉल ने शुरू कर दी है क्लेम हॉटलाइन। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना तो आप कभी भी इस क्लेम हॉटलाइन पर फोन कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा पॉलिसी खरीदेंगे आपको हॉटलाइन का ये नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 2400 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाए बेल आइकन, फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।